हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स 180। तुम्हें मैंने कही कि प्रैक्टिकल रेकर्ड दबा पाई का तो एंड मैक्सिमम पिलांगर भोट आसला जे रेकर्ड दे कि ताको एक्सप्लेन करी पाई का तो से पाई का मठी तुमको एक्सप्लेन करूची। तो ए प्रैक्टिकल टी रही कहा उपरे तो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर विथ ए मीटर बेस एंड हेन्स फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। तो जो मेटलटा लगी वायरटा लगी तार रेजिस्टिविटी बाहर करवा सहित रेजिस्टेंस भी बाहर करवा। तो तापर आमर लिखा अपराटस रिक्वायर्ड एंड सब बड़े मन रखियो तुम्हें केवल ब्लू आउ ब्लैक पेन ही यूज कर। अपराटस रिक्वायर्ड है मीटर बेस लेक्लान सेल जो कलेज लेक्लान सेल यूज हो लेक्लान सेल यूज लिख अदरवैज जो कलेज बैटेरी एलिमिनेटर यूज हो बैटेरी एलिमिनेटर लिख। नेक्स्ट है गाल्भानोमीटर रेजिस्टेंस बॉक्स निक्रोम वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड तुमको ए भाई भाई क्वेश्चन पचारि पारती जे निक्रोम तो रेजिस्टेंसटा नहीं चो से रेजिस्टेंस कौ तार ताई है ना निक्रोम वायर। तापर जॉकी कनेक्टिंग वायर स्क्रू गज एंड ज्योमेट्री बॉक्स ये तो कहला अपराटस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है आम थ्योरी देख थ्योरी टाक भल भाव बुझे चेस्टा कर कारण यहाँ भितर से भाई पचारि पारती एंड सहित आम थ्योरी भी अच्छी मीटर बेस तो बुझाक डिफिकल्ट हम नहीं इजी रही। तो फर्स्ट कौन लिखाई ए मीटर बेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्टन ब्रिज विच इज आज फलोज। तो मीटर ब्रिज कौ प्रिंसिपल उपर काम ना विस्टर्न ब्रिज्र प्रिंसिपल उपर काम कर। तो तुमको ये भाई भाई भी पचार पारती मीटर ब्रिजटा कौ प्रिंसिपल उपर काम कर ना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्टर्न ब्रिज। तेल विस्टर्न ब्रिज्र प्रिंसिपलटा कौन केमी कह देखाई इफ फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एक्स एक्सटा है अननोन रेजिस्टेंस नहींचे आर जॉइंड सो दैट दे फॉर्म ए क्लोज्ड नेटवर्क ए बी सी डी जोटा कि पिक्चर आगू करवा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्टर्न ब्रिज दैट इज अंडर बैलेंस कंडीशन नो करंट फ्लोस थ्रू द गाल्वानोमीटर। तो यहाँ ही तुम बैलेंस कंडीशन विस्टर्न ब्रिजटा जो कनसेप्ट रु आसी मीटर ब्रिज मिस्टर ब्रिजटा विस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल आसी मीटर ब्रिज जो विस्टर्न ब्रिज रु आसी विस्टर्न ब्रिज कौन कहे ना विस्टर्न ब्रिज बैलेंस कंडीशन में काम करे। तो सीपाई लिखा है अंडर बैलेंस कंडीशन नो करंट फ्लोस थ्रू द गाल्वानोमीटर। गाल्वानोमीटर कौन से डिफ्लेक्शन शो कर गाल्वानोमीटर करंट फ्लो करना। तो जदि तुम्हें मैंने विस्टर्न ब्रिजटा न जाच विस्टर्न ब्रिज उपर आम ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट को जातु से लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो अंडर में आप विस्टर्न ब्रिज्र मेकानिजमटा पढ़ी पारे से देखिकी आसतु। तो बैलेंस कंडीशन में आम कंडीशन आसो पी बाय क्यू इजिकल टू आर बाय एक्स। तो यह भाव में आसमें ये जो कंडीशन आसला ये आम वैल्यू पुट करवा। तो ये आम वैल्यू पुट कले आम आस कंडीशन पी बाय इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल एंड यार डेरिवेशन भी तुम ऑलरेडी मैंने थ्योरी रे अच्छी तुम्हें से चाहिए डिराइव करपर अदरवैज आम भिडी देख एंड एल कौन स्मॉल एल है ये भल भाव देख स्मॉल एल लिखाई स्मॉल एल कौन नल पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज। एवं नेक्स्ट पॉइंट पाखक जावा ये तुम्हें देख पिक्चर को भल भाव देख भल भाव। तो पिक्चर ये देख तुम फास्ट कौन है ना ये जो तारटा लगी तारटा है मीटर ब्रिज्र तार। तो मीटर ब्रिज्र फास्ट एंड गोटे एल सेप्र अच्छी ये अनदर एल सेप्र अच्छी एंड फास्ट जो गैप अच्छी फास्ट गैप रेजिस्टेंस बॉक्स लगी गोटे बॉक्स हो रही बहुत गुड़े रेजिस्टेंस थी एंड एपटे राइट गैप आम अननोन रेजिस्टेंस लगे एंड ये मिडिल पॉइंट रहा एठू आसी गाल्वानोमीटर पॉजिटिव एंड गाल्वानोमीटर नेगेटिव जाइए कहाँ सहित जॉकी जे सहित एंड यही पोजिशन में मन कर गाल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कला। तो से लेंथटा को आम एल बोली नहीं आम आगे जावा। तो आमर ये से जो कंडीशन आम से पुट करते से कंडीशन आम ये डिराइव कर दे पारे है। तो जो आम करते पी बाय क्यू इजिकल टू आर बाय एक्स से कंडीशन आम बाहर कले तो एक्स इजिकल टू फर्मुला कौन एक्स इजिकल टू फर्मुला यह आसला। तापर एटा तो आम रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंसटा बाहरीगला कितुतापर आम कौन करापर आम रेजिस्टिविटी बाहर करा रेजिस्टिविटी फर्मुला है एक्स ए बाय एल माने रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। एटा टिके कैपिटल एल लिख पे कैपिटल एल लिख। तो ये तुम जो भैल्यू बाहर डी कौन डी है डायमीटर कहीं एरिया फर्मुला कौन हो एरिया फर्मुला पाए डी स्क्वायर बाय फोर हो एरिया फर्मुला पाए डी स्क्वायर बाय फोर हो। तो से हिसाब से आम ये लिखीदे कि
कि रेजिस्टिविटी कोई फर्मूला हिसाब से आसो रेजिस्टिविटी ये फर्मूला हिसाब से आसो तो ये दुटा तुम कौट पाइब ना दुटा तुम मेजर कर पार बाय यूजिंग स्क्रू गज एक्सट्रा तो आम टेबुल रू मेजर हम एंड जो ये एल्टा एल्टा जेनेली तुमको जो तार दिखाई जो तार को मेजर करवाको से तार को गोटे स्केल पकई कि मेजर करनब तापर प्रोसीजर मोर किसी बुझे दरकार नहीं प्रोसीजर तुम्हें भल भाव में ये लिखि नब एंड यार पीडीएफ टी मुझे फिजिक्स 180 टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करदेवि तुम्हें से जॉइन कर जॉइन करके तुम्हें सीठ पीडीएफ नहीं जाइपर तापर आम आसो ऑब्जर्वेशन बेले बेले एग्जाम तुमको एक्सटर्नल पचारि पारती लिस्ट काउंट को डिफाइन करके देखाओ लिस्ट काउंट कैलकुलेट करके देखाओ तो आम पी स्केल डिविजन 10 पी स्केल डिविजन 1 सेंटीमीटर तेल 1 पी स्केल डिविजन के 0.1 सेंटीमीटर आसो तेल तुमको पीचर भैल्यू भी पचारि पारती पीच है 0.1 एंड लिस्ट काउंटर फर्मूला है पीच बाय नंबर अफ टोटल नंबर अफ सर्कुलर डिविजन जोटा कि आम सर्कुलर डिविजन 100 थाए एंड डिवाइसटा तुमको मन पक टाइप रही थी तुम गोटे डिवाइसटे है जोटा कि आम स्क्रू गज वाल्यू कहे या भितर आम तार रखिक मेजर करवा एंड ये गोटे सर्कुलर स्केल थाए तो ये सर्कुलर स्केलटा को आम नंबर ऑफ टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन जो कि 100 थाए तो से हिसाब से कैलकुलेशन कले आम लिस्ट काउंटर वैल्यू के 0.001। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाक जावा नेक्स्ट आमर आसो टैबुलेशन टैबुलेशन टा मु तुम मन कह कि टैबुलेशन तुम्हें निजे जहाँ प्राक्टिकल कर टैबुलेशन वाइज तुम्हें लिख ये तार टैबुलेशन दिखाई तो तुम कलेज तुमको जितकी रेस्टेन्स हुए तो सही से नाथ टैबुलेशन टा निजे लिख बट ये गोटे जिनस ध्यान रखे जो लिखाई आर फ्रम रेस्टेन्स बक्स ये लिखाई तार यूनिट तो यूनिट जो लिखाई है ये यूनिट गुड़ाक के स्कीप करना ये यूनिट गुड़ाक निश्चिंत भाव में भल भाव तुम्हें लिख है तापर टेबुल टू में आम कौन कैलकुलेट करा टेबुल टू में आम जो वायर नहींचे से वायर जो डी रैल्यू से आम मेजर करे डी रैल्यू मैंने तार डायमीटर वैल्यू मेजर करे एंड तापर कैलकुलेशन डायरेक्ट तुम्हें पकेबाला कैपिटल एल मगुआ कही कैपिटल एल तुम्हें पकेब कैपिटल एल रैल्यू पकेल जोटा कि वायर रेन्थ रही था अनोन वायर अनोन वायर डायमीटर जानगल एंड फर्मूला भी तुमको जना अच्छी पकईकि तुम्हें सल्व कर एंड यार यूनिट कौन आसवा यूनिट आसो ओमीटर तो ये सब जिन भल भाव में ध्यान रखे जोटा कि यूनिट केमती मेनसन करेंड प्रपर्ली लिख देख ये निट एंड क्लीन लिखाई जिते निट एंड क्लीन रही खातर से ही हिसाब से मार्कटा तुम आसीज तो लास्ट को तुम्हें कनक्लूजन निहाती भाव में लिख देख कौन लिखाला फ्रम द एबव एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द निक्रोमायर वाज फाउंड टू बी एतिकी ओम एंड द रेजिस्टिविटी वाज फाउंड टू बी एतिकी ओम सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली तो यह लिख सारापर तल को तुम ना रोल नंबर ग्रुप नंबर जहाँ तुम पुट कर हिसाब से पुट कर तो ये रही पूरा प्राक्टिकाली मीटर बेज उपर जी भिडी भल लगे निज फ्रेंड मान सहित निश्चिंत भाव सेयार कर सहित यार पाइबापाई कि हमें टेलीग्राम चैनल निहाती भाव में जॉइन कर किसी डाउट अच्छी जदि तेल मत कमेंट करके निश्चिंत भाव में जनइब थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।